Praise the Lord to all of you and greetings in Jesus' name. और आज की शाम आप सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका अभिवादन करता हूं. And welcome all of you who are attending this to the Bible study from LifeSpring Assembly. और आप सबका स्वागत करता हूं जो LifeSpring Assembly कलीसिया के इस बाइबल अध्ययन के समय में हमसे जुड़े हैं. And let us give ourselves a few minutes in the presence of God and listen carefully and with intent. और आइए कुछ समय लेकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में ध्यानपूर्वक उसके वचन से सीखें और सुनें. We are considering the book of Corinthians, the first letter Paul wrote to Corinthian church. और पहली कुरिन्थियों की पत्री पर हम अपने अध्ययन को रखे हुए हैं जिसे पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थ की कलीसिया को लिखा. Last Wednesday we concluded chapter 7. और पिछले बुधवार को हमने सातवें अध्याय की समाप्ति करी. And apostle Paul was dealing with the question of marriages. और पौलुस प्रेरित शादी और विवाहों को लेकर सवालों का उत्तर दे रहा था. And there are number of questions answered. और कई सारे प्रश्नों का उत्तर उसने दिया. So I hope all of you who have been attending this regularly is tremendously blessed and also now you know how to go about with marriage. और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप में से वो सब जो इसमें निरंतर जुड़े हुए हैं, आप सबको ये अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ है कि कैसे आप अपने विवाहित जीवन में बढ़ सकते हैं. Today we shall get into chapter 8. और आज की इस शाम को हम आठवें पहला कुरिन्थियों उसके आठवें अध्याय पर अपने अध्ययन को शुरू करेंगे. There are several divisions for the entire First Corinthian letter. और पहले कुरिन्थियों की पत्री में कई सारे विभाजन हम कर सकते हैं. चैप्टर 8 बिगिंस द डिवीजन 5 ऑफ फर्स्ट कुरिन्थियंस. और पहले कुरिन्थियों की पत्री का जो ये भाग है वचन का आठवां अध्याय, ये पांचवे उस विभाजन को इस पत्री में शुरू करता है. एंड सो दिस चैप्टर दिस डिवीजन कंसिस्ट ऑफ थ्री चैप्टर्स, चैप्टर 8, 9 and 10. और इस विभाजन के भाग में आठवां, नवा और दसवां अध्याय सम्मिलित है. In fact, there is one verse in chapter 11, verse 1, 2. यहाँ तक कि ग्यारहवां अध्याय और दूसरे वचन तक इसमें ये भाग है. And this division deals with the Christian and the questionable pleasures and social functions. और वचन का ये विभाजन का भाग जो है ये बात करता है मसीहों, एक मसीह के जीवन के विषय में, और साथ ही साथ वे सुख और भोग विलास जिन पर प्रश्न उठाया जा सकता है, और साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियां. So this is a question that even today prevailed, and so it is very relevant that we listen very carefully and understand our responsibility. और ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दिन में भी पूछा जाता है, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ध्यानपूर्वक सुन के इसको अपने जीवन में लागू करें. And so the first part is from chapter 8 verses 1 to 13. और इसलिए वो पहला भाग जो पहला कुरिन्थियों आठवां अध्याय पहले वचन से तेरहवें वचन तक. I encourage you to read it at home. और मैं आप सबको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने घरों में भी इस वचन के इस भाग को पढ़िए. But since it is very important that we know what the scripture says, listen to the reading of this portion as it is read in Hindi. और क्योंकि वचन का पढ़ा जाना और इस भाग में क्या बातें हैं, इसके लिए हम इस वचन को पढ़ेंगे, और इसलिए आप ध्यान पूर्वक वचन के इस भाग को, जबकि ये पढ़ा जाता है, ध्यान दीजिए. अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है. ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है. यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता. परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसे पहचानता है. अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं. यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी
हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। पर सबको यह ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझ कर खाते हैं, और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस ना हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई, जिसके लिए मसीह मरा, नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुँचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, और हो ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। आमीन। May the Holy Spirit bless our hearts by the reading of God's word. और होने दे पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को आशीषित करे उसके वचन के पढ़े जाने के द्वारा। That is the whole chapter of whole passage of chapter 8. और ये वो पूरा वचन का भाग है, 13 वचन जो इस अध्याय में पाए जाते हैं। The Bible is very clear about what is right and what is wrong for a Christian. और वचन इस बारे में बड़ी स्पष्ट रीति से बात करता है कि एक मसीही के लिए क्या सही है और क्या गलत है। And in between these two there is the questions of conscience. और इन दोनों के बीच में एक अंदरूनी व्यक्तित्व का सवाल उठ जाता है। And what some consider to be right, while some others consider the same to be wrong. जबकि कुछ उस बात को सही समझते हैं करना, दूसरे हाथ पर कुछ ऐसे भी हैं जो उसी बात को गलत समझते हैं। The problem at Corinth was the eating of meat that had been sacrificed or offered. और कुरिंथ की कलीसिया में जो समस्या मौजूद थी वो ये थी कि वो मीट खाए जाने के विषय में जो मूर्तियों के सामने बलिदान किया गया है। And those days such meat could appear on nearly any table those days. और उन दिनों में इस प्रकार का मांस किसी भी खाने की टेबल पर या मेज पर परोसा जा सकता था। In the ancient world, और उन पुराने जमाने में, when a person accepted Christ as Lord and Savior, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु के रूप में स्वीकार करता था, he faced a very critical problem. तब उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। What was he to do with his circle of friends and their social functions? कि उसे अपने मित्रों का जो वो समूह है और जो सामाजिक गतिविधियां जिसमें वो उत्साह और पर्व हैं, उनके संग क्या करना है? That's the same question and problem any new believer, any new convert to Jesus Christ will face. और इसी समस्या का सामना आज के दिन भी एक नया विश्वासी करता है। It was a critical problem. और एक ये बहुत गहन समस्या थी। And for three reasons. और तीन कारणवश ये गहन समस्या थी। So listen these three reasons very carefully. और इसलिए ध्यानपूर्वक इन तीन कारणों को सुने। Practically every social function served meat offered to idols. और याद रखिए, स्वाभाविक रूप से जितने भी पर्व या उत्साह मनाए जाते थे उनमें वो मांस जरूर परोसा जाता था जो मूर्तियों के आगे बलिदान किया गया है। And sometimes some of these important functions were held inside the temples. और कई बार इनमें से कई सारे महत्वपूर्ण पर्व या उत्साह मंदिर के भीतर किए जाते थे। No matter where it was held, और ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ पर है। An offering was always made to the idol god of the family. लेकिन एक बलिदान जरूर चढ़ाया जाता था उस मूर्ति के सामने जो उस परिवार का देवता था। What was a Christian to do? और एक मसीही को क्या करना है?
That's a question even today many people ask, many people face. और यही एक ऐसा सवाल है जो आज के दिन कई सारे लोग पूछते हैं और कई सारे लोग इसका सामना करते हैं. If he refused, how would it affect his friends? कि अगर वो इसका तिरस्कार करे, उसको खाने से इनकार करे, तो कैसे उसके मित्रों पर यह क्या असर करेगा? How would it affect his job? और कैसे क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी नौकरी पर? And what would happen to the business contact? और क्या होगा उन व्यवसायिक लोगों का जो उसके संग जुड़े हैं? If we refuse to go to a dashera, और अगर हम उस दशहरा के पर्व में जाने से इनकार कर दें, and that celebration, या उस उत्साह और पर्व में, और ईद, या वो ईद जो मनाई जाती है. Now, why should our non-Christian friends should come for our Christmas celebration? तब क्यों गैर मसीही हमारे मित्र या दोस्त हमारे क्रिसमस के उत्साह या पर्व में सम्मिलित होने के लिए आएंगे? If we refuse to go where they are inviting us. क्योंकि हम तो इनकार कर देते हैं उन स्थानों में, उन पर्वों में जाने से जहां वो हमें बुलाते हैं. So if we don't honor their invitation, why should they honor our invitation? और अगर हम उनके नियोते का आदर नहीं करते, तो क्यों वो हमारे नियोते का आदर करें? Now this becomes a very sensitive issue. और ये एक बड़ा संवेदनशील समस्या बन जाता है. Secondly, दूसरा कारण, that is the first reason. The second reason is, दूसरा कारण, in Paul's day, और पौलुस के दिनों में, practically every family had its own idol god. और प्रकृति के स्वाभाविक रूप से पौलुस के दिनों में हर परिवार के पास अपना देवी या देवता था. And these idols are usually kept in a prominent place in the home. और ये जो मूर्तियां थी, ये घर के बड़े प्रमुख स्थानों पर रखी जाती थी. At meal time, a small portion of the food was offered to the idol to assure God's blessing. और खाने के समय या वक्त एक खाने का एक छोटा सा भाग उन देवी देवताओं के सम्मुख रखा जाता था. Now, what was a Christian to do? और एक मसीही को क्या करना चाहिए? What shall he do with fellowship with his neighbor? और उसे क्या करना चाहिए एक मसीही को जब वो अपने पड़ोसियों के संग सहभागिता करता है? Was he to cut off any social contact? क्या उसे उस सामाजिक रीति से अपने दोस्तों और पड़ोस से कट जाना है? So that is the second reason. और ये वो दूसरा कारण है. And the third reason is, और जो तीसरा कारण है, the marketplace was usually filled with meat offered to idols recently. और उन दिनों में जो बाजार था वो उस मांस से भरा रहता था जो कि मूर्तियों के आगे बलिदान किया गया है. And part of meat thus offered was given to the priest for their upkeep. और उस मीट का बलिदान किया हुआ एक छोटा सा भाग पुरोहितों या याजकों को भी दिया जाता था ताकि वो अपना दिनचर्या चला सके. And they would sell to the local market. और वो मीट के या मांस के उस भाग को स्थानीय बाजार में बेचते थे. The excess meat. और वो बचा हुआ ज्यादा जो मांस था. And the market sold the meat to the public. और जो बाजार के लोग थे वो जनता के सम्मुख इस मांस को बेचते थे. And some believers felt, और कुछ विश्वासियों को ऐसा लगा, that it was wrong to buy meat that had been used in idol worship. कि ऐसे मांस को खरीदना गलत है जिसे मूर्ति पूजा के लिए उपयोग में लाया गया. And they could seldom tell if the meat was pure or not. और वो इस बात को भी बता सकते थे कि वो मांस शुद्ध है या शुद्ध है. Now for this reason, many Christians in the ancient world became vegetarian. और इसी कारण वर्ष कई सारे मसीही उन दिनों में शाकाहारी बन गए. Were they right in their conviction? क्या वो सही थे अपने इस कायलता में? Or was it all right to eat food offered to idol gods? या ये सही था कि मूर्तियों के आगे बलिदान किया गया खाना सही है? So these are the three reasons why it was dealt with. और ये वो तीन सवाल हैं जिनके आगे पौलुस बात करता है. The Corinthian believers need answers to these questions. और कुरिन्थ के विश्वासियों को इन प्रश्नों के प्रति अपने उत्तर चाहिए थे. They needed some guidelines. और उन्हें कई नियमावली चाहिए थी. That would help them as they lived in the midst of a sinful and a pleasure mad world. ताकि वो उस
पापी और सुख भोग विलास करने वाले संसार के बीच में एक शुद्ध जीवन को जी सके। It is in this context we should consider this chapter 8। और इस संदर्भ में हमें आठवें अध्याय को जानना और समझना है। And so with prayerfully let us consider and look into it। और आइए प्रार्थना के संग हम इस आठवें अध्याय को देखें। And I pray that the Holy Spirit will enlighten us। और मेरी प्रार्थना यह है कि पवित्र आत्मा हमें प्रकाशित करे। And show us so that we will choose the right way। और हमें दिखाए ताकि हम सही मार्ग का चुनाव करें। In dealing with the problem, और इस समस्या के सामना करते हुए, Paul set forth certain principles which are useful and valid to this day. Paulus ने कई निर्देशों को और कई सिद्धांतों को बनाया जो कि आज के दिन तक सही हैं। Paul deals directly with the Corinthian problems. और पॉलस बड़ी सीधी रीति से वो कुरिन्थ की समस्या के संग सामना करता है। While doing so, और ऐसा करते हुए, he also uses the issue and expanded it to include other issues also. और ऐसा करते हुए पॉलस और कई सारी ये जो समस्याएं थे उनको भी लेकर के बात करता है। And one of the most important issue was, और एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या जो थी, the whole issue of Christian liberty and personal rights. और वो समस्या थी मसीही आजादी और व्यक्तिगत अधिकार के विषय में। So we are under pressure of these different problems when we consider this. और हम उन दबाव के भीतर आ जाते हैं जब हम इन सारी समस्याओं का सामना करते हैं। Now, the whole issue of Christian liberty and personal rights. और वो जो समस्या है मसीही आजादी और व्यक्तिगत अधिकार के विषय में। For example, उदाहरण के रूप में, Can a Christian do his own thing? क्या एक मसीही अपने अनुसार चीजों को कर सकता है? Is a Christian honestly set free in Christ? क्या एक मसीही को प्रभु यीशु मसीह में आजादी मिल गई है हर एक बात करने की? If so, अगर ऐसा है, Can a Christian do what he wants when he wants? तब क्या एक मसीही वो कर सकता है जो वो चाहता है और जब कभी भी चाहता है? If not, अगर ऐसा नहीं है, What restraints are put upon his freedom? तब कौन सी ऐसी नियम या सिद्धांत हैं जो उसके स्वभाव को रोकते हैं या रोकना चाहिए? What is to control his behavior? या कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसको स्वभाव को नियंत्रित करें? And that is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है। What is the difference between the Christian's behavior? कि एक मसीही स्वभाव के बीच क्या अंतर है? Christian's behavior and the world's behavior. और एक संसार के व्यक्ति के बीच में क्या स्वभाव के बीच में क्या अंतर है? Between a Christian's behavior and the world's behavior. एक मसीही और एक सांसारिक मनुष्य के स्वभाव में क्या अंतर है? There are five sections in this chapter. और इस अध्याय में पांच भाग हैं। We shall consider and look into them. और उन सारे भागों की ओर हम देखेंगे और अध्ययन में बढ़ेंगे। First, let me mention what they are. और मैं इन पांचों भागों को आपको बता दूं। Number one, पहला भाग, judge things by love and not by knowledge. कि आप बातों या वस्तुओं का न्याय प्रेम के अनुसार करें ना कि बुद्धि के अनुसार। It's a very very specific and very important for us to know. Therefore, please take note of it. और ये बड़े महत्वपूर्ण बात है और कृपया करके इन बातों को आप लिखते रहिए। Judge things by love and by not by knowledge. कि आप बातों या वस्तुओं का जो न्याय है वो प्रेम से करें ना कि ज्ञान से। Verses 1-3. पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक। Secondly, दूसरी बात, Know this, food does not make a person spiritual. कि खाना एक व्यक्ति को आत्मिक नहीं बनाता। Verses 4-8. और चौथे वचन से लेकर आठवें वचन तक। Thirdly, तीसरी बात, Take care, do not be a stumbling block. ध्यान रखें, दूसरे के लिए आप ठोकर का पत्थर ना बने। Chapter 8, verses 9-11. नवे वचन से लेकर ग्यारहवें वचन तक। Fourthly, चौथा भाग, Do not wound a brother's conscience. कि एक भाई के जो मनोबल है उसको आप ठेस ना पहुंचाएं। This will amount to a sin against
Christ. क्योंकि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध एक पाप ठहरेगा. Verse 12. बारवां वचन. Number 5. Claim the great principle. और पांचवा भाग उस महान सिद्धांत की आप दावेदारी करें. What is that? और वो क्या है? Do nothing that leads a brother astray. ऐसा कुछ भी ना करे जो एक भाई के विवेक को निर्बल करे और उसे परमेश्वर से दूर ले जाए. Verse 13. तेरवा वचन. So these are the five things, five sections in this chapter. और इसलिए वचन के इस अध्याय में, आठवें अध्याय में पांच ये भाग है जिन पर हम अपने अध्ययन को जारी रखेंगे. Dealing with these five important principles. और पांच सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के विषय में. And let us go through them one by one. और एक एक करके हम इनसे होकर निकलेंगे. The first thing is judge things by love and not by knowledge. और पहला भाग है कि आप बातों का न्याय प्रेम के अनुसार करें ना कि ज्ञान से. Knowledge by must be balanced by love. और ज्ञान को हमें बराबरी में लाना है प्रेम के द्वारा. Important to take note of. और इस बात को आप ध्यान दीजिए. I repeat it. मैं फिर से दोहरा दूं. Knowledge must be balanced by love. कि ज्ञान को बराबरी में हमें लाना है प्रेम के द्वारा. There were two sources of meat in the market. और बाजार में मांस के दो स्रोत थे. The regular market. और जो निरंतर जो चलने वाली रोजाना बाजार. The prices were higher in this market. और जो ये रोजाना स्थानीय बाजार था, यहाँ पर मांस का जो भाव था या मूल्य था वो काफी ज्यादा था. Then there is a local temples. और उसके बाद जो है स्थानीय मंदिरों में भी वो मांस बिकता. Where the prices were cheaper. जहाँ पर ये मांस कम पैसों में उपलब्ध था. Now the cost also is important because some were poor, some were rich, some were middle class. और वो दाम भी मायने रखता है क्योंकि कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग बीच बीच के स्तर के, सामाजिक बीच बीच के स्तर, तो कई लोग धनवान थे. In the church also there are different kind of people. और कलीसिया में भी भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं. Some are very strong. कई बहुत मजबूत हैं. Some are not so strong but weak. कई इतने मजबूत नहीं लेकिन कमजोर हैं. Now the strong members of the church realized that idols could not contaminate food. और जो कलीसिया के मजबूत सदस्य थे उन्होंने इस बात को समझा और जाना कि जो ये मूर्तियां हैं वो खाने को दूषित नहीं कर सकती. So they saved money by purchasing meat from the temples. और इसके द्वारा उन्होंने पैसे को बचाया, मांस को उन स्थानीय मंदिरों के भवन से खरीद कर. Now when we say strong members, जब हम कहते हैं मजबूत सदस्य, we are not talking about strong in riches or money or strong in certain other things. तब हम ये नहीं कहना चाहते कि वो मजबूत थे पैसे में या सामाजिक स्तर में. That is about conviction. वो बात है कायलता या आत्मिकता के विषय में. So some were very strong. और इसलिए कई अपने कायलता और विश्वास में बहुत मजबूत anyway, थे. It doesn't matter whether it is offered to idols or not, food does not contaminate you. इसीलिए कई सारे लोग जबकि इतने मजबूत थे विश्वास में, उन्हें पता था कि खाना उन्हें दूषित नहीं कर सकता. And idols could not contaminate food. और जो मूर्तियां हैं वो खाने को दूषित नहीं कर सकती. So that was their stand. और इसलिए उनका वो विश्वास था. And furthermore, और आगे बढ़ते हुए, if unconverted friends invited, और them, अगर गैर या गैर विश्वासी मित्रों को वो बुलाते, invited the believers to a feast at which sacrificial meat was served. और विश्वासियों को बुलाते जहां पर ये मूर्तियों के सामने बलिदान किया हुआ मांस परोसा जाता. They attended it whether at the temple or at home. तब वो ऐसे एक पर्व में साथ जाते थे या भाग लेते थे, चाहे वो मंदिर में हो या घर में हो. Where sacrificial meat was served. जहां पर ये बलिदान किया हुआ मांस परोसा जाता था. Now all of this offended the weaker Christians. और इन सारी बातों ने उन कमजोर मसीहों को जो विश्वास में कमजोर थे उन्हें दुख पहुंचाया. Many of them were converted from pagan idolatry. और उनमें से कई सारे जो जन थे वो इसी मूर्ति पूजा के
संदर्भ से बाहर निकलकर प्रभु यीशु में आए थे। They could not understand why their fellow believers would want anything to do with meat sacrificed to idols। और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि उनके संघी विश्वासी क्यों उस मांस को लेते, खरीदते और परोसते हैं जो मूर्तियों के आगे बलिदान किया गया। Apparently, और ऐसा जानते हुए, some strong Christians were stressing the importance of reasoning out these functions। और ऐसा भी हुआ कि कई सारे मजबूत विश्वासियों ने इस बात को लेकर तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया। Stressing the importance of intellect। और वो इस बात पर दबाव बनाने लगे कि बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग करना है। And also knowledge। और ज्ञान का प्रयोग करना है। In determining right and wrong। और इस बात को जानने और पहचानने में कि क्या सही है और क्या गलत है। So they depended on their knowledge and their intellect। और इसलिए वो अपनी समझ और ज्ञान पर निर्भर हो गए। And that's what happening. That was what has been happening। और ऐसा ही वहाँ होने लगा। To determine what is right and wrong। वो बुद्धि और समझ से, ज्ञान से वो ये पहचानने लगे क्या सही है क्या गलत। And they had their reasonings। और उनके पास अपने तर्क थे। First of all, पहला कारण, an idol is nothing in itself। एक मूर्ति तो कुछ है ही नहीं। That's their conviction। और ये उनका कायलता और विश्वास है। That's their reasoning। और यही उनका कारण या तर्क है। An idol is nothing actually। अच्छा, ये मूर्ति कुछ है ही नहीं। It is a man-made। ये तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया an image। और ऐसी एक दृश्य जिसे एक मनुष्य ने बनाया। With man's own hand। जिसे मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया। And the second reasoning was। और जो दूसरा तर्क या कारण वो देते थे। Meat or food is nothing। या ये मांस या खाना कुछ भी नहीं है। It does not make us acceptable to acceptable or unacceptable। ये मांस या खाना हमें ग्रहण योग्य या अग्रहण योग्य नहीं बनाता। Now in this argument, और इस तर्क में, there are three things to be noted। तीन ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान लगानी है। Number one, पहली बात, knowledge puffs up, कि ज्ञान एक को घमंड से फुला देता है। Whereas love edifies, जहां की प्रेम दूसरे हाथ पर एक को शुद्ध करता है। And that is the difference between knowledge and love। और यही अंतर है ज्ञान और प्रेम के बीच में। So which one we should apply? और किस बात को हम अपने जीवन में लागू करें? We apply love। हम प्रेम को लागू करते हैं। And some people are so proud of their wisdom and intellectual capacity। और कुछ लोग तो अपने ज्ञान और समझ को लेकर इतने घमंड रखते हैं। They keep on insisting and they keep on standing very strong in their conviction। तब वो इस बात पर निरंतर दबाव बनाते रहते हैं और इस बात पर कायल ही बने रहते हैं। But we need to realize। लेकिन हमें इस बात को भी समझना that है। That you don't solve every problem with logic। कि तुम कि हम हर एक समस्या को अपने उस ज्ञान या समझ से नहीं उसका सामना कर सकते। Knowledge can be a weapon to fight with or a tool to build up, deepens, tool to build up। और याद रखिए, ज्ञान तो एक यंत्र के समान उसका प्रयोग किया जा सकता है या एक हथियार के रूप में कि किसी को बनाया जाए। But it depends on how it is used। लेकिन ये निर्भर करता है कि हम उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं। If we use it with a puffed up mind, और अगर एक फूले हुए घमंडी मन से हम उसका प्रयोग करते हैं, then we who are so proud of our intellectual capacity, इसलिए हम वे जो अपनी ज्ञान और समझ में बड़ा घमंड रखते हैं, we keep offending so many friends, तब हम कई सारे मित्रों को ठेस पहुंचाते हैं। A know-it-all attitude is an evidence of ignorance, और मैं सब कुछ जानता हूँ ऐसा स्वभाव इस स्वभाव को दर्शाता है। You know, when you talk to some people, अगर आप कुछ लोगों से बात करें, they keep on repeating this one word, I know it, I know। तब वो हमेशा एक ही बात को दोहराएंगे, मैं जानता हूँ, whatever you say, say yes, I know। और जो कुछ भी आप कहें, वो यही कहेंगे, मैं जानता हूँ, I know।
And so this all know attitude is very dangerous. और इसलिए मैं सब जानता हूँ ये जो स्वभाव है बड़ा खतरनाक है. That is actually an evidence of ignorance. और ये इस बात को दर्शाता है कि कैसे आप बातों का तिरस्कार करते हैं. Knowledge can make a person arrogant. और याद रखिए ज्ञान एक व्यक्ति को घमंडी बना सकता है. And that's what usually we see. और इसी बात को ज्यादातर हम देखते हैं. Such people are so proud. और ऐसे लोग कितने घमंडी हो जाते And, हैं. Nothing can bend them. और कोई भी बात उन्हें झुका नहीं सकती. They are really concerned about showing off how much they know. और वो सिर्फ इसी विषय में चिंता करते हैं कि मैं लोगों के सामने कैसे बातों को दिखावा करूं। It is one thing to know all the doctrine. और ये एक बात है जब आप सारे सिद्धांतों को जानते हैं। And quite something else to know God. लेकिन एक दूसरी बात कि जब आप परमेश्वर को जानते हैं। And so you choose. और इसलिए आप चुनिए। Whether you want to know God more. कि क्या आप परमेश्वर को ज्यादा जानना चाहते हैं? In one place in Philippians, Apostle Paul mentions about himself. और फिलिपियों में एक जगह पर पौलुस अपने विषय में एक बात को कहता है. In order to gain a greater and deeper knowledge of Jesus Christ. और इसलिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह की एक गहन और ज्यादा बातों और ज्ञान को जानने पाऊं. He was gladly willing to give up everything else that he thought was a great gain for himself. तब वो तैयार था बड़े आनंद के साथ उन सारी बातों को छोड़ने के लिए जो उसके लिए एक लाभ के समान थी पहले. It is one thing to grow in Bible knowledge. और ये तो एक बात है जब आप वचन के ज्ञान में बढ़ते हैं. And yet not grow in grace. लेकिन फिर भी अनुग्रह में नहीं बढ़ते. Paul says, पौलुस कहता है, that he knows an idol is nothing. कि वो जानता है कि एक मूर्ति कुछ भी नहीं. Neither is food anything. और साथ ही साथ खाना भी कुछ भी नहीं. However, लेकिन फिर भी, because one is able to think through and clearly see the fact, क्योंकि एक अच्छी रीति से सोच सकता है और इस बात को बड़ी स्पष्ट रीति से देख सकता है. There is no reason to be puffed up over other believers. तब ये कोई भी कारण नहीं है कि आप दूसरे विश्वासियों को से लेकर खुद को घमंड से भर जाएं. This Christian liberty is no reason to be puffed up. और ये मसीही आजादी कोई कारण नहीं है घमंड करने का. You know, that's how we very often, people who are not careful about these matters, they offend fellow Christians or our believers. We try to push our ideas. और कई सारे लोग जो इन बातों को समझते नहीं वो अपने विचारों को विश्वासियों के ऊपर दबाव से दबाव बनाते हैं. So don't try to puff up over other believers. और इसलिए दूसरे विश्वासियों के ऊपर आप अपने आप को घमंडी और फुला कर ना रखें. With your intelligence. और अपने समझ और ज्ञान को लेकर. And if you use your intelligence to hurt somebody. और अगर आप अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं किसी को दुख पहुंचाने के लिए. Then that means there is a lack of intelligence in you. तब इसका मतलब ये है कि आपके अंदर समझ की ज्ञान की कमी है. The rule of the Christian is love and not knowledge. और जो मसीह का एक सिद्धांत या कानून है वो है प्रेम ना कि ज्ञान. You don't set aside love in order to show off your knowledge. आप प्रेम को दरकिनार नहीं कर देते इसलिए कि आप अपने ज्ञान को दिखाएं. And we need to be very careful. और इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना है. And a Christian is not to stress is knowledge. और इसलिए मसीह को अपने ज्ञान को लेकर दबाव नहीं बनाना है. And his superior knowledge. या उसके उच्च ज्ञान के विषय में. Because he can see a fact more clearly than other believers. क्योंकि वो किसी वास्तविक बात को दूसरे विश्वासियों से कहीं ज्यादा स्पष्ट रीति से देख सकता है. A Christian believer is to love and control his life. एक मसीही विश्वासी को तो अपने जीवन को नियंत्रित करना है और साथ ही साथ दूसरों से प्रेम रखना है. How? कैसे? By the principle of love. और प्रेम के सिद्धांत के द्वारा.
Because it is love that edifies. क्योंकि ये तो प्रेम ही है जो शुद्ध करता है. And it is love that builds up. और ये तो प्रेम ही है जो हमें बनाता है. And it is love that helps people to grow. और ये तो प्रेम ही है जो लोगों की सहायता करता है बढ़ने में. Let us look into Romans chapter 12. रोमियों की पत्री उसके 12वें अध्याय की ओर हम देखें. Romans chapter 12, verse 16. रोमियों की पत्री 12वां अध्याय 16वां वचन. आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी yes. दृष्टि में बुद्धिमान ना हो. That you don't see yourself as a great intelligent person, great enough to ignore a lesser person. और अपने आप को आप अपनी बुद्धि में बुद्धिमान ना समझे ताकि आप दूसरों का तिरस्कार करें. And that is not intelligent. और ये समझ या ज्ञान नहीं. That is pride. ये तो घमंड है. And then pride will lead you to be arrogant. और ये घमंड आपको लेकर जाएगा दूसरों का तिरस्कार करने के लिए. And in Galatians chapter 6. और गलातियों की पत्री 6वां अध्याय. Verse 3. तीसरा वचन. क्योंकि यदि कोई ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है. और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो दूसरों से अच्छे और भले हैं. And Paul says you are deceiving yourself. और पौलुस कहता है कि तुम अपने आप को धोखा देते हो अगर ऐसा करते हो. And so many people are living in deception by thinking this way. और ऐसा करने या सोचने के द्वारा कई सारे लोग धोखे में जी रहे हैं. And again, Proverbs chapter 3, verse 7. और उसके पश्चात नीति वचन उसका 3रा अध्याय और 7वां वचन. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना. डोंट कंसिडर योरसेल्फ टू बी टू इंटेलिजेंट. और जैसा कि नीति वचन में लिखा है अपनी नजरों में बुद्धिमान ना होना. दैट विल बी डिसीविंग योरसेल्फ. क्योंकि ये भी खुद को धोखा देना जैसे है. एंड कंसिडर देयर इज अ गॉड. और उस परमेश्वर का भय मानना. Who is the source of all the wisdom and knowledge and understanding. जो कि हर बुद्धि ज्ञान और समझ का स्रोत है. So that is why it is important. The love always edifies and builds up. और प्रेम हमेशा शुद्ध करता है और हमें बढ़ाता है. And secondly, दूसरी बात, knowledge is partial. और याद रखिए ज्ञान जो है वो हमें लोगों के बीच में मन मुटाव लाएगा. नो मैटर व्हाट अ पर्सन नोस. ये मायने नहीं रखता कि एक व्यक्ति कितना भी जाने. इट इज इम्पार्शियल एंड इनकम्प्लीट. और ये जो ज्ञान है ये अधूरा है और अर्थहीन है. मैन इज टोटली इनकेपेबल ऑफ नोइंग एनीथिंग इन इट्स फुलनेस. मनुष्य तो अपनी क्षमता में किसी भी बात को पूर्ण रीति से समझने में असीमित है. इन इट्स टोटैलिटी. उसकी परिपूर्णता में. एंड दैट इज क्वाइट ट्रू. और ये तो सत्य है. दोज हू प्रैक्टिस लिबर्टी. और वे जो आजादी का के अनुसार चलते हैं. मे बी रॉन्ग. हो सकता है गलत हो. देयर मे बी समथिंग रॉन्ग इन हिज थिंकिंग. हो सकता है उनकी समझ में कुछ गलत है. To take pride in what he knows may be wrong. हो सकता है जो कुछ उन्हें पता है उस पर घमंड करना भी गलत है. Because you will be hurting on the way many people. क्योंकि उस मार्ग पर चलने से आप कई लोगों को ठेस पहुंचाएंगे. And the third thing is. और जो तीसरी बात है. Love unites a person to God. प्रेम एक व्यक्ति को परमेश्वर के संग एक बनाता है. Love will never cause a distance between you and God. प्रेम कभी भी परमेश्वर और आपके बीच में अंतर को नहीं लाएगा. He such a person is acceptable to God, not because of knowledge, but because of love.
और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के ग्रहण योग्य है उस प्रेम के ज्ञान के कारण नहीं लेकिन उस प्रेम के अनुसार. एंड 1 Corinthians 8:3 दैट्स व्हाट वी रेड. और पहला कुरिन्थी 8वां अध्याय 3रे वचन में हम इसी बात को पढ़ते हैं कि यदि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है. Anyone who loves God और ऐसा कोई भी जो परमेश्वर से प्रेम रखता है will be recognized by God. परमेश्वर उसे पहचानता है. So it is important for us to be known by God rather than by, known by others. और इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के द्वारा पहचाने जाएं इसकी बजाय कि लोग हमें पहचाने. So which one will you choose? और कौन सा भाग या कौन सा चुनाव आप करेंगे? Let us be careful. होने दे हम सावधान हो जाएं. That God will remain unknown to us. कि परमेश्वर हमारे लिए कि परमेश्वर को हमें पहचानना ना भूलें. Make all the efforts so that you will be known by God. हर एक प्रयत्न करें कि परमेश्वर आपको पहचाने. That's the most important thing. और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है. We will close here today. और आज की शाम हम यहाँ पर समाप्त करेंगे. And I hope today's lesson will be a blessing to you. और मुझे पूरी आशा है कि आज का ये संदेश आपके लिए एक आशीष का कारण है. And I pray that the Holy Spirit continues to enlighten you. And help you understand this. मेरी प्रार्थना ये है कि पवित्र आत्मा आपका सहायता करे कि निरंतर आप इसमें प्रकाशित हों और इसमें बढ़ते चले जाएं. We all need the Holy Spirit. हम सबको पवित्र आत्मा का आवश्यकता है. So Lord God Almighty, we thank you for today's lesson. और इसलिए हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आज के इस अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं. Chapter 8 and the following chapters deals with some great truth. और 8वां अध्याय और उसके आगे कई दूसरे अध्याय बड़ी महान सत्यों के विषय में बात करते हैं. May we understand your word. होने दे हम तेरे वचन को समझने पाएं. And the Holy Spirit will enlighten us and enlarge our understanding. और पवित्र आत्मा हमारी समझ को बढ़ाए. That we will glorify God. ताकि हम परमेश्वर का महिमा करें. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my brothers and sisters. मेरे भाइयों और बहनों परमेश्वर आप सबको आशीष दे. God is a great God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर है. By being humble, you are not going to be less. You are not going to be a fool and seem to be less. In wisdom. और दीन होने के द्वारा आप कम नहीं आके जाएंगे या आपके पास ज्ञान की कमी नहीं होगी. You will be wise in the sight of God and the sight of others. और परमेश्वर की नजरों में आप ज्ञानी ठहरेंगे. When you have a humble posture. जब आपके पास एक दीन स्वभाव होगा. Humility. वो दीनता. And that is which is a great virtue. और जो कि एक बड़ा महान गुण है. So may the Holy Spirit help you and help all of us. होने दे पवित्र आत्मा आपका और हम सबका सहायता करे. We'll see you next Wednesday. हम अगले बुधवार को आपसे मिलेंगे. And read these chapters, chapter 8 and 9. पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय और 9वें अध्याय को आप पढ़िए. God bless you. परमेश्वर आप सबको